मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमें ऑप्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में या लाइट के फिनोमिनास जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। देखो ये ऑप्टिक्स है, इसको हम आगे टू सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है रे ऑप्टिक्स जो आपका है चैप्टर नंबर 9, दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स विच इज चैप्टर नंबर 10। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी, एक ही में पढ़ लेते, सीधा ऑप्टिक्स बना देते। तो देखो इसके लिए आपको एक मेरी बात समझनी पड़ेगी। देखो हमें पता है जो लाइट हमको दिखती है विजिबल लाइट, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्स 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 या फिर अप्रोक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगी 4 × 10⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁷ इतनी वेवलेंथ की लाइट होती है, वो हमको दिखती है। और हमने देखो छोटी क्लासेस में एक हमने बात पढ़ी हुई कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मेरी बात सुना, मेरी बात सुना। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और इधर एक वॉल है, इमेजिन करना एक वॉल है और दूसरे साइड पे एक रूम है, उधर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा है। मैंने क्या किया, दीवार में एक होल कर दिया, ठीक है, एक होल कर दिया। सपोज 10 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने होल कर दिया, यहां से फिर मैंने टॉर्च मारी तो जो डार्क रूम होगा उसकी वॉल के ऊपर मुझे क्या दिखेगा, पूरी राउंड शेप में ही वो मतलब जाके लाइट गिरेगी उस पर और पूरी राउंड में दिखेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, लाइट देख लो मैंने यहां पे टॉर्च जगाई, बिल्कुल सीध में जाके मुझे वहां पे ब्राइटनेस दिख रही है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मैंने अपनी बात को प्रूव कर दिया, ठीक है, मैंने अपनी बात को प्रूव कर दिया। लेकिन सपोज अगर मैं उस होल को छोटा करता जाऊं, मतलब पहले मैंने 10 सेंटीमीटर के लिया था ना, धीरे धीरे घटा रहा हूं, इतना छोटा कर दिया कि वो जो उसकी डायमेंशन है होल की, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब 10⁻⁷ की ऑर्डर का अगर वो होल हो गया, इतना छोटा हो गया, तो हमको फिर दूसरे रूम में क्या दिखेगा, ब्राइटनेस डार्कनेस मतलब डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखेगा, डिफ्रैक्शन जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तब लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट ही बिहेवियर शो करने लग जाती है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर होल वगैरह या कोई भी चीज जिसके ऊपर हम लाइट गिरा रहे हैं उसकी डायमेंशंस अगर लाइट की डायमेंशंस के इक्वल है तो लाइट डिफरेंट बिहेव करती है, ठीक है, लाइट डिफरेंट बिहेव करती है। तो उसके डिफरेंट बिहेव करने के कारण हमको दूसरा पार्ट वेव ऑप्टिक्स तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो रे ऑप्टिक्स में हम कौन से फिनोमेना पढ़ेंगे, जब हम लाइट को ऐसे होल के ऊपर गिराएंगे, ठीक है, ऐसे होल के ऊपर गिराएंगे जिसका साइज काफी बड़ा हो या लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो, तो लाइट तब स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी और उस टाइप के फिनोमिनास को हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और अगर होल बहुत छोटा हो, जैसे कि डिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस में हम पढ़ेंगे कि छोटे छोटे होल्स लेते हैं तो लाइट डिफरेंट बिहेवियर दिखाती है, वहां पे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती है, उस तरह के फिनोमिनास हम किसमें पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहां से आप रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का दोनों के बीच डिफरेंस भी आपको पता लग गया कि कब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, कब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने एक होल कर रखा 1 mm का, ठीक है, इसके ऊपर मैंने लाइट को गिराया, 1 mm के होल के ऊपर लाइट को गिराया। तो जो लाइट के बिहेवियर की स्टडी है, बताओ मैं रे ऑप्टिक्स में करूंगा कि वेव ऑप्टिक्स में करूंगा, सोचना थोड़ा। अब देख लो इसकी स्टडी मैं रे ऑप्टिक्स के अंदर ही करूंगा, क्योंकि 1 mm का होल मतलब 10⁻³ का होल अभी भी लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो लाइट के बिहेवियर की स्टडी मैं रे ऑप्टिक्स में ही करूंगा। लेकिन अगर इतना छोटा सा होल है 10⁻⁷ के ऑर्डर का,
तो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में आ गया, या 10^-10 मीटर का है तो लाइट की वेवलेंथ से भी कम हो गया, तो भी हम किस, अब हम किस करेंगे इन दोनों केसेस में, लाइट के बिहेवियर की स्टडी हम वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। तो ये रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के बीच में डिफरेंस था। अब जो रे ऑप्टिक्स है उसका फर्स्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन, रिमूव हो गया सिलेबस से, पूरा ही हटा दिया। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको आइगेन थ्योरी जब आपको एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको बता दिया था कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लीकली जाती है, जब ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, तो वो अपने पाथ से क्या होगी, बेंड हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते थे। मैंने आपको बताया था जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो लाइट की स्पीड घट जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये हमने पढ़ दिया था। स्नेल्स लॉ भी हमने पढ़ दिया था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी उसमें आइगेन थ्योरी में हमने पढ़ा था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन का, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, वो हमको पढ़ना है, और इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लगते देखने में मुश्किल है, समझते देखते ही याद हो जाएंगे, मतलब समझ आ जाएंगे, सॉल्व कर दिया करोगे कैसा मर्जी न्यूमेरिकल हो।